गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर थर्ड रूट्स ऑफ प्लांट कंप्लीट किया था और उसके हम लोगों ने क्वेश्चन ए बी सी और ई कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन डी, आंसर दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस। गॉट इट? तो आप लोग पेज नंबर 14 निकाल लो जिस जिसने बुक ओपन नहीं की है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय रूट सिस्टम। आप लोग रूट सिस्टम से क्या समझते हो? तो रूट सिस्टम वो होता है किसी भी पौधे को जब हम लोग ज़मीन में लगाते हैं, उस पौधे की जो जड़ें होती हैं, वो जमीन के अंदर अपनी पकड़ मजबूत बना लेती है, उसे हम कहते हैं रूट सिस्टम। तो जरा आंसर नोट डाउन करो आप लोग। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच होल्ड द प्लांट इनटू द ग्राउंड, दैट सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम। आंसर नोट डाउन करो आप लोग। द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट विच होल्ड द प्लांट इनटू द ग्राउंड, दैट सिस्टम कॉल्ड रूट सिस्टम। The main part of the plant which hold the plant into the ground, that system called root system. Complete? Come to the question second. अब question second पे आ जाओ जरा। How many kinds of root are there? कितने types की roots होती है? Name them. तो हमारी book के अंदर हमें 2 types की roots के बारे में बताया गया है। First tap root and second is fabric roots. तो answer note down करो जरा आप लोग। There are 2 type of a root, tap root and fabric root. आंसर नोट डाउन करो जरा, टैप रूट एंड फैब्रिक रूट। नोट डाउन किया आंसर, आगे कंटिन्यू करें। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर टैप रूट। टैप रूट क्या होती है? मैंने आपको बताया था जो सिंगल थिक रूट जो जमीन के अंदर वर्टिकली जाती है, देन आफ्टर उसके ब्रांचेस आते हैं, उसे हम कहते हैं टैप रूट। तो आंसर नोट डाउन करो जरा थर्ड का। टैप रूट विथ वन मेन थिक रूट गोइंग वर्टिकली अंडर द अर्थ विथ स्मॉल एयर लाइक ब्रांचेस। टैप रूट विथ वन मेन थिक रूट गोइंग वर्टिकली अंडर द अर्थ विथ स्मॉल एयर लाइक ब्रांचेस। हो गया कंप्लीट? लिख लिया आप लोगों ने टैप रूट क्या होता है? टैप रूट विथ वन मेन थिक रूट गोइंग वर्टिकली अंडर द अर्थ विथ स्मॉल एयर लाइक ब्रांचेस।
नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने थर्ड का आंसर। आगे बढ़े हम लोग, कंटिन्यू करें, कम टू द क्वेश्चन फोर्थ। व्हाट आर फैब्रिक रूट? फैब्रिक रूट क्या होती है? तो मैंने आपको बताया था फैब्रिक रूट वो होती है जो जाले की तरह जमीन के अंदर हो, जो स्टीम से ही जाले की तरह फैल जाए, जिसकी जड़ें स्टार्टिंग से ही ब्रांचेस की तरह हो, उसे हम लोग कहते हैं फैब्रिक रूट। गॉट इट? और जो टैप रूट होती है उसमें सिंगल वर्टिकली रूट होती है, देन आफ्टर उसके ब्रांचेस निकलते हैं। तो आंसर नोट डाउन करो जरा फोर्थ का। फैब्रिक रूट विथ नंबर ऑफ ए ब्रांचेस स्प्रेडिंग अराउंड इनटू द अर्थ फ्रॉम द स्टीम। फैब्रिक रूट विथ नंबर ऑफ ए ब्रांचेस स्प्रेडिंग अराउंड इनटू द अर्थ फ्रॉम द स्टीम। लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े हम लोग, कंटिन्यू करें। लिख लिया आप लोगों ने फोर्थ का आंसर? आगे कंटिन्यू करें हम लोग, कम टू द क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या पूछ रहा है हमसे? Why is it difficult to uproot a plant? किसी भी पौधे को उखाड़ने के लिए हमें मशक्कत क्यों करनी पड़ती है, वो इतना difficult क्यों होता है? तो किसी भी पौधे को उखाड़ना इतना difficult इसीलिए होता है क्योंकि जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसकी जो जड़ें होती है वो मिट्टी में अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। वो जो उस पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी के अंदर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, जिस वजह से जब हम उस पौधे को उखाड़ते हैं तो हमें मशक्कत करनी पड़ती है। गॉट इट? तो आंसर नोट डाउन करो आप लोग ज़रा इसका आंसर फिफ्थ का। फिफ्थ का आंसर लिखो जरा आप लोग। द रूट व्हेन गोज इनसाइड द सॉइल स्टार्ट स्मॉल ब्रांचिंग इन ऑल द डायरेक्शन एंड दैट मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्लांट इन द सॉइल सो इट बिकम डिफिकल्ट टू अपरूट अ प्लांट। जब हम किसी भी पौधे को जमीन में लगाते हैं तो उस पौधे की जड़ें जो होती हैं वो ज़मीन में चारों तरफ फैलना स्टार्ट कर देती हैं और ज़मीन से अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है, ताकि ज़मीन के ऊपर जो वो पौधा लग रहा है वो स्ट्रॉन्गली खड़ा रह सके। तो उस कारण की वजह से जब हम पौधे को उखाड़ते हैं तो हमें ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। गॉट इट? द रूट व्हेन गोज इनसाइड द सॉइल स्टार्ट स्मॉल ब्रांचिंग इन ऑल डायरेक्शन एंड दैट मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्लांट इन द सॉइल सो इट बिकम डिफिकल्ट टू अपरूट अ प्लांट। गॉट इट? लिख लिया सब लोगों ने? Use your phone features, screenshot ले लो। द रूट वैन गो इनसाइड द सॉइल स्टार्ट स्मॉल ब्रांचिंग इन ऑल द डायरेक्शन एंड दैट मेक स्ट्रॉन्ग होल्ड प्लांट इन द सॉइल सो इट बिकम डिफिकल्ट टू अपरूट अ प्लांट। न
नाउ कम टू द क्वेश्चन सिक्स्थ. क्वेश्चन सिक्स देखो जरा. व्हाट आर द फंक्शन ऑफ अ रूट. रूट के फंक्शन क्या होते हैं. तो रूट का फंक्शन होता है, रूट का काम ये होता है कि वो मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करे और स्टीम के थ्रू प्लांट्स के बाकी पार्ट्स को वो वाटर, वो पानी प्रोवाइड करे. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रूट का काम ये होता है कि वो मिट्टी के अंदर से पानी को एब्जॉर्ब करे यानी सोखे और स्टीम यानी तने के थ्रू प्लांट के बाकी पार्ट्स यानी लीव्स, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट उन तक उस पानी को पहुँचाए. ये काम होता है रूट्स का. तो आंसर नोट डाउन करो आप लोग ज़रा. द रूट हेल्प प्लांट इन सकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द स्टीम और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. यानी रूट्स का काम क्या होता है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है मिट्टी के अंदर से. देन आफ्टर स्टीम के थ्रू वो प्लांट्स के अदर पार्ट्स को वो पानी सप्लाई करती है. तो आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग ज़रा. द रूट्स हेल्प प्लांट इन सकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द स्टीम और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. तो आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग सिक्स का. द रूट हेल्प प्लांट इन सकिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सेंड इट टू द स्टीम और डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. आंसर नोट डाउन कर लो आप लोग जरा सिक्स का. जिसने भी क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ, क्वेश्चन सिक्स का आंसर में कहीं छूट गए हैं वो लोग स्क्रीन को अभी राइट नाउ स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इस अभी जो स्क्रीन पे जो पेज ओपन है उस पेज में आपका आंसर फोर, आंसर फाइव एंड आंसर सिक्स दे रखें. तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आंसर आप लोग आराम से लिख सको. और जो बच्चे लिख रहे हैं, जो बच्चे हाथ से रफ कॉपी में ये काम कर रहे हैं, उनसे मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग क्वेश्चन मत लिखो, सिर्फ आंसर नोट डाउन करो. क्वेश्चन जब आप इस काम को फेयर आउट कर रहे हो तब आप लिखना. अभी आप जब रफ कॉपी में आंसर्स लिख रहे हो तो डायरेक्ट आंसर लिखो. फ़ोन में एक फीचर आता है स्क्रीनशॉट का, तो आप लोग उसका इस्तेमाल करो. डू इट फास्ट. जो बच्चे लिख रहे हैं हाथ से आंसर वो जल्दी लिखो. नाउ क्लास फोर्थ, आपका चैप्टर थर्ड रूट्स ऑफ प्लांट आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. आपका होमवर्क क्या होगा, आपका होमवर्क ये होगा कि आपको क्वेश्चन डी, मैं पेज टर्न कर रही हूँ, क्वेश्चन डी जो स्क्रीन पे दिख रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इनमें जो छः क्वेश्चन है इन छः क्वेश्चंस को आपको अपनी कॉपी में फेयर आउट करने हैं. आज की डेट डालोगे, डे लिखोगे, होमवर्क लिखोगे, फिर लिखोगे चैप्टर थर्ड रूट्स ऑफ ए प्लांट. दैट आफ्टर आप जैसे मैंने देखो क्लास फोर्थ नहीं लिखोगे आप, बाकी एग्जैक्ट मेरे जैसे लिखोगे चैप्टर थर्ड रूट ऑफ प्लांट. फिर क्वेश्चन डी डालोगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट लिखोगे, देन आफ्टर आंसर क्वेश्चन सेकंड, देन आफ्टर क्वेश्चन आंसर सेकंड, फिर क्वेश्चन थर्ड, देन आफ्टर आंसर थर्ड. इस टाइप से आपको सिस्टमेटिकली इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स कॉपी के अंदर करने हैं. गॉट इट, समझ में आया. अब एक बार इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लो. जिसने आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड अगर किसी ने नहीं लिखे हैं तो वो जल्दी से लिखो.
और जिसने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था पहले वो ज़रा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आंसर की दोनों शीट्स आपको वापस दिखा रही हूँ, जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया वो स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज में आपको आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड दिख रहे हैं। नाउ कम टू द फोर, फिफ्थ एंड सिक्स्थ आंसर। जिसने ले लिया है स्क्रीनशॉट वो स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे, जिसने नहीं लिया वो ले लेना। गॉट इट? नाउ आज की क्लास हम लोग यही ओवर करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।